शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए किडनी से जुड़ी नई जानकारी लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आपको किडनी के कार्य को ठीक रखने के बारे में बताएंगे। अपने विषय पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। किडनी हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। अगर किडनी सही तरीके से काम न करे तो इससे मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। किडनी मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है और शरीर में इसका काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे किन बातों को शामिल करें जिससे किडनी की कार्यक्षमता में सुधार आए। तो चलिए अपनी किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं ताकि आप स्वस्थ जीवन जी सकें। सबसे पहले आप अपने आहार में बदलाव करें। सुबह उठकर सबसे पहले चाय या कॉफ़ी के सेवन से बचें। अधिक चाय या कॉफ़ी आपके शरीर में कैफीन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो आपकी किडनी को तो डैमेज करते ही हैं, साथ ही आपके बीपी को भी हाई कर देते हैं। इसके बाद आप अधिक मात्रा में स्प्राउटेड ब्रेड, सोया मिल्क, ड्राई फ्रूट, दूध, दही, टोफू, पनीर, अंडा, दलिया, ब्रोकली, इनका सेवन ना करें। इन सब में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जो किडनी के लिए हानिकारक होता है। वैसे तो फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है, पर जिन फलों में प्यूरिन की मात्रा अधिक हो ऐसे फलों का सेवन किडनी के लिए हानिकारक होता है। ये शरीर में यूरिक एसिड बनाते हैं जो किडनी के काम में रुकावट डालता है। आप केला, संतरा, किवी, अनार, आड़ू, आलू बुखारा, लीची, आम और पपीता, इन सभी फलों का सेवन अधिक मात्रा में न करें। ये सभी फल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जिन्हें किडनी की समस्या है उन्हें इन सभी फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप फलों का सेवन करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन एक सेब ज़रूर खाएं। सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपकी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखता है, जिसके कारण आपको हाई बीपी की समस्या नहीं होती। और आप फलों में अनानास, अंगूर, बेरीज का सेवन कर सकते हैं। ये किडनी के लिए लाभदायक हैं। साथ ही ये सभी फल किडनी के काम की क्षमता को ठीक रखते हैं। अगर बात करें सब्जियों की तो घिया, टिंडा, तोरी, पत्ता गोभी और परवल, इन सभी का सेवन आपकी किडनी को स्वस्थ रखता है। इसके बाद आप अपने जीवन में व्यायाम को जगह दें। समय पर सोने से लेकर समय पर जागने की आदत डालें। प्रतिदिन सुबह व्यायाम करें, सैर करने जाएं। अगर कुछ योगासन आप कर सकते हैं तो योग करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आपकी किडनी की कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन किडनी के मरीज कोई भी योग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, यह हानिकारक हो सकता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। आयुर्वेद का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए मिलें कर्मा आयुर्वेदा के एक ऐसे ही रोगी से जिन्होंने इस बीमारी को मात देकर शुरुआत की एक स्वस्थ जीवन की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है। पेशेंट कौन है? पेशेंट मेरे फादर हैं। ये जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी इनको? प्रॉब्लम्स थी इनकी तो किडनी की, काफ़ी 2011 से डिटेक्ट हुआ था कि प्रॉब्लम है, तो मैक्स से हमने ट्रीटमेंट लिया था। पर उन्होंने कहा था कुछ टाइम ही चलेगा ये दवाई से, इसके बाद डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। अच्छा, और फिर ये आपका वीडियो वगैरह देखा था तो अच्छा। चलिए आप स्वस्थ, थोड़ा सा बेटर फील करें। चल फिर, नहीं आप भी साथ में थोड़ा सा बेटर होगा। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, ठीक है। पहले लेटे रह रहे थे? हां जी, मतलब सेनाइल काइंड, 93 एज एंड देन दिस काइंड ऑफ एन एलिमेंट, बट उस हिसाब से काफी अचीवमेंट। ये जरूर है कि अब डायलिसिस की इनको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो 93 इयर्स के पेशेंट को अगर कर्मा आयुर्वेदा से इंप्रूवमेंट आ सकती है तो बाकियों को भी आ सकती है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।